नमस्कार, आर एन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट चाट रगड़ा पेटीज। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। कैसे बनती है चलिए आपको हम दिखाते हैं। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए हमने लिए सफ़ेद मटर, इस तरह की आती है सफ़ेद मटर। उसको हमने धो करके साफ करके बिल्कुल पानी में भिगो दिया था। 4 से 5 घंटे के लिए मटर बिल्कुल हमारी भीग गई थी, फूल गई थी। फिर उसको हमने कुकर में डाल करके 1 गिलास पानी डाल करके और थोड़ा नमक डालकर उबालने के लिए रख दिया था। उसको हमने 4 से 5 सीटी में उबाला है, मटर उबल गई हैं। मटर हमने 1.5 कप ली थी, मटर हमने उसको उबाल लिया है हमने नमक डाल करके। इस तरह से देखिए उबल गई है। अब इसमें हम देंगे पहले तड़का। तड़के के लिए हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे जीरा। गैस को धीमा रखेंगे। अब डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी हल्दी। इसमें डाल देंगे हम मटर। गैस को हम धीमा रखेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मसाले में मिलाएंगे मटर को। अब डाल देंगे इसमें हम पानी। गैस को हम तेज कर देंगे। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसमें हम 1 उबाल दे देंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे अब हम। इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। अब जीरा के साथ ही हींग डाल दीजिएगा। इसको हमें 1 उबाल देनी है, हम गैस बंद कर देंगे। जो हमने कुकर में उबाला था, उबालने के बाद इसको हमने हल्की सी मैश भी कर दी थी ताकि पूरी तरह साबुत ना रहे, हल्की सी मैश भी होनी चाहिए। हमने लिए उबले आलू 7 से 8, इनको हमने छील लिया उबाल करके। अब इनको हम मैश कर लेंगे आलू को। आलूओं को हमने बिल्कुल मैश कर लिया है और एक बड़े बर्तन में कर दिया है। अब डालेंगे इसमें हम नमक आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। इसमें डाल देंगे हम 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिलाएंगे सबको हम। हमने अच्छे सब कुछ मिला लिया है। अब हाथ में लगाएंगे ऑयल और इसमें से हम लोई लेंगे। हम इतनी बड़ी लोई लेंगे, इसको हम ऐसे गोल करेंगे और इसको हम ऐसे हल्का सा दबा देंगे, बिल्कुल बराबर से कर देंगे हम इसको। जैसे ठेले वाले बनाते हैं टिक्की, उसी प्रकार से इसकी शेप देंगे हम। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। आलू में 10 टिक्की बन गई है। अब इनको हम सेकेंगे। एक पैन को हमने रख दिया है, गैस जला दी है। इसमें हम डालेंगे ऑयल।
तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे अब टिक्की। डीप फ्राई नहीं करेंगे इसलिए हमने इसमें थोड़ा तेल लिया है। गरम हो गया तेल, डाल देंगे टिक्की इसमें हम। इसमें हम चार डाली हमने, अभी चार टिक्की सेकेंगे। इनको हम पलट देंगे अब। फिर से इसको हम पलटेंगे। देखिए एक तरफ सिक गई है, इधर भी इसी प्रकार से हम सेक लेंगे। इसको हम क्रिस्पी सेकेंगे। देखिए सिक गई इधर भी, चारों टिक्की सिक गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम और टिक्की सेक लेंगे। पेटिस तैयार है मेरी, इसमें हम इतनी सामग्री डालेंगे तब तैयार होगी लगड़ा पेटिस चाट, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। हम चार पेटिस की बनाएंगे, और हमने रगड़ा भी लिया है, मटर जो हमने बनाई थी इसको रगड़ा बोलते हैं। अब एक सर्विंग प्लेट लेंगे, इसमें हम ऐसे रख देंगे पेटिस इस प्रकार से। इसके ऊपर हम डाल देंगे मटर, डालेंगे अब हम दही। दही को हमने फेंट लिया है। हरी चटनी, मीठी चटनी, इसमें हम थोड़े से टमाटर कटे हुए, थोड़ी सी प्याज बारीक कटी, इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, नमक थोड़ा डालेंगे, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ी सी मीठी चटनी, अब डालेंगे इसमें हम सेब बारीक वाले, थोड़े से टमाटर भी डाल देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये प्याज और डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तैयार है रगड़ा पेटीज। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कि मुंह में पानी आ रहा है देख करके। लग रहा है बस जल्दी से इसको खा लें।
बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। जब भी आपका चाट खाने का मन करे बनाइए इसको, खाइए, स्वाद बना करके सब चीज़ डालिएगा, जो आपका मन हो वो डाल सकते हैं। इसमें आप अनार के दाने भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। स्वाद बनाइए अपना, जैसा मन हो वैसा करिए इसको आप, बनाइए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है रगड़ा पेटीज। देखिए तैयार है रगड़ा पेटीज, बहुत ही अच्छी बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। कितनी आसानी से बन गई है। आपको अगर मेरी आज की रगड़ा पेटीज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।